हेलो गाइस, वेलकम टू कुक सुखबीर श्वेता। आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल साबुदाने की खिचड़ी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गर्म हो चुकी है, अब इसमें मैं तीन चम्मच घी डालूंगी। और ये जीरा है एक चम्मच, इसे मैं भून ली हूँ। और चार हरी मिर्च है, बारीक काट ली उनको। थोड़ा सा इसमें पहले भून लेती हूँ जीरा और मिर्च को। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को पहले से मैं बॉईल करके तोड़ रही हूँ। और हाँ, आलू मैं काटी नहीं हूँ, हाथ से तोड़ रही हूँ छोटा छोटा। पहले आलू को थोड़ा सा भूनूंगी, तब इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी। आलू भून चुका है और मैं चार आलू ली थी, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर भी मैंने छीन लिया है। आलू टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें मैं एक चम्मच सेंधा नमक डालूंगी और साथ ही काले मिर्च और जीरे का पाउडर डालूंगी। मैं पहले से ही पका करके रख ली थी। आप चाहे तो इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें जो साबुनदाने भिगाई हूँ वो डाल दूंगी। साबुनदाने को मैंने 3 घंटे पहले से ही भिगा करके रख लिया है। अच्छे से भून चुका है, इसे मैं करीब 4 से 5 मिनट तक भूनी हूँ। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी। अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए ढककर के रख देती हूँ और मीडियम फ्लेम पे ही रखती हूँ। तो ये देख लेती हूँ, साबुनदाने का खिचड़ी तैयार हो गया है। बहुत अच्छे से ये रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया की पत्ती डालूंगी। और गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। मेरी साबुनदाने की खिचड़ी रेडी हो चुकी है। सर्विंग बाउल में निकाल देती हूँ। मेरी साबुनदाने की खिचड़ी रेडी हो गई है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।